नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 21 राजस्थान और ये है आपका मनपसंद शो नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले के साथ साथ राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक खबरों को फटाफट अंदाज में लेकर हर रोज सुबह आपके बीच में उपस्थित होते हैं। आपकी तरफ से भी इसे खूब सादा प्यार मिल रहा है क्योंकि न्यूज 21 राजस्थान की पूरी टीम गांव ढाणी की खबरों को एक अच्छी प्रस्तुति के माध्यम से आपके बीच में लेकर आता है। अगर आपको भी इस तरह की प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ाएं। हम यूं ही आपके बीच में रोज उपस्थित होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट, कल मिले 3,404 मरीजों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 9,23,860। पिछले 24 घंटों में 105 एवं अब तक कुल 7,911 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 15,635 व्यक्ति हुए हैं स्वस्थ। वर्तमान में 87,530 केस हैं राज्य में सक्रिय। जिले में 27 मई को पुनः होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पंजीकरण का महाअभियान। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसके लिए आदेश किए जारी। जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में प्राप्त कुल लक्ष्य 2,67,421 में से केवल 29,159 तथा लघु सीमांत कृषकों में 58,486 तथा संविदा कर्मियों में मात्र 3,892 कार्मिकों का ही हो पाया है पंजीयन, जो निर्धारित लक्ष्यों से है काफी कम। पंजीयन की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए वंचित रहे लाभार्थियों का पंजीकरण कराने हेतु जिले में 27 मई को किया जा रहा है महाअभियान का आयोजन। देश सहित जिले भर के किसान संगठन 26 मई को मनाएंगे काला दिवस। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार किसानों की अटूट संघर्ष के 6 महीने पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में मौन रहने के कारण किसान फिर करेंगे संघर्ष। अपने घरों एवं कस्बे के मुख्य चौराहों पर काले झंडे लगाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। देश भर में 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने का किसानों द्वारा किया गया है आह्वान। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर पिछले 6 माह से विरोध में डटे हैं किसान। मकराना के गच्चीपुरा थाना क्षेत्र के सिरसला गांव में मंगलवार दोपहर जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। एक युवक की हुई मौत व दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा महिला पुरुष भी हुए घायल। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मकराना रेफर किए गए एक घायल की गंभीर हालत में उपचार के दौरान हुई मौत। जानकारी के अनुसार खेत की जमीन को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदला। सिरसला निवासी दो पक्षों में लगातार लंबे समय से चल रहा था विवाद, परंतु उसने मंगलवार को ले लिया उग्र रूप। इसमें सिरसला निवासी 28 वर्षीय हेमाराम पुत्र मोहन राम मेघवाल की उपचार के दौरान हुई मृत्यु। सामाजिक सुरक्षा नीति पर राजस्थान सरकार में मंथन तेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते अनाथ हुए बच्चों और बेसहारा परिवार के लिए गहलोत सरकार की ओर से लाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा नीति को लेकर अधिकारियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। निशुल्क शिक्षा और 2,500 पेंशन देने पर चल रही है चर्चा। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पहल करते हुए स्कूल संचालकों और कोचिंग संस्थानों को कोरोना से दिवंगत हुए लोगों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का किया है आग्रह। देश के कॉरपोरेट घराने में भी सबसे आगे आकर टाटा स्टील ने कोरोना के कारण दिवंगत हुए कर्मचारी के परिवार की सुरक्षा के लिए घोषणा की है कि इस कर्मचारी के परिवार को अगले 60 साल तक मिलेगी सैलरी तथा बच्चों को मिलेगी निशुल्क शिक्षा। जायल कस्बे में चल पड़ी है सबको प्रेरणा देने वाली सकारात्मक पहल। अपने दिवंगत परिजनों की पुण्य स्मृति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं का विस्तार करते हुए कस्बेवासी कमा रहे हैं पुण्य। हाल ही में बजाज परिवार द्वारा जनाना वार्ड एवं फिजियोथेरेपी केंद्र का निर्माण शुरू करने के बाद अब महेंद्रपाल रोज की ओर से उनके पिता ब्रह्मराम रोज की पुण्य स्मृति में राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कमरे का करवाया जाएगा निर्माण। इस घोषणा के मौके पर सरपंच कड़वासरा सहित अन्य गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भामाशाह का जताया आभार। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कल रहे मकराना दौरे पर। इस दौरान बूढ़ चुके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
साथ ही बैठक के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर सर्वे व दवा वितरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और लाडेसर योजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर विकास अधिकारी धन सिंह सहित अन्य कार्मिक रहे मौजूद। मेहता के मीरा मंदिर में कल नरसिंह जयंती पर हुई अनूठी पहल। राज्य में जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना के तहत नरसिंह जयंती कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। श्री चारभुजा नाथ मीरा मंदिर मेहता सिटी में नरसिंह चतुर्दशी का कार्यक्रम पुजारी परिवार द्वारा सादगी से मनाकर शहर के केबल चैनल व यूट्यूब के माध्यम से किया गया सीधा प्रसारण। भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश रहा पूर्णतः बंद। थावला कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कोरोना महामारी रोकथाम के तहत मरीजों के उपचार हेतु एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन करवाई उपलब्ध। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने बताया कि मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए सीएससी में कोविड 19 केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहले ही करवाए जा चुके हैं उपलब्ध। इसके अलावा अन्य सभी सहायक चिकित्सा उपकरणों की भी है पूरी व्यवस्था। एक और मशीन मिलने से क्षेत्रवासियों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। मुख्यमंत्री की संकल्पना कोई भूखा नहीं सोए के तहत डीडवाना पालिका द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क पर स्थित इंदिरा रसोई के माध्यम से कोविड 19 मरीजों एवं गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है उपलब्ध। नगर पालिका द्वारा स्थानीय लोगों, भामाशाहों एवं दानदाताओं से संपर्क कर इस कार्य में योगदान हेतु किया जा रहा है प्रेरित। इसके तहत मंगलवार को भगवान नरसिंह अवतरण दिवस पर भामाशाह रामस्वरूप प्रजापत द्वारा भोजन के 150 पैकेट तैयार करवाकर पालिका को करवाए गए उपलब्ध, जिसको स्थानीय बांगड़ अस्पताल एवं अन्य जरूरतमंदों में किया गया वितरित। रियाबड़ी में भी कोरोना की भेंट चढ़ा नरसिंह चतुर्दशी का मेला। रियाबड़ी के सदर बाजार स्थित चारभुजा मंदिर में प्रतिवर्ष धूमधाम से भरा जाने वाला मेला एवं नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप सजीव झांकी का इस बार राज्य में जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के चलते नहीं हुआ आयोजन। मुख्य पुजारी ने मंदिर में पूजा अर्चना एवं अभिषेक कर मनाया उत्सव। बोरावड़ कस्बे के रतनपुरा रोड स्थित एक खेत में झूलते बिजली के तार बने हैं किसान की परेशानी का सबब। खेत के ऊपर से बहुत कम ऊंचाई पर से गुजर रही बिजली की तार की हाई पावर लाइन। मानसून काल के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। स्थानीय विद्युत विभाग के कर्मचारियों को देना चाहिए ध्यान। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी होने लगी है तेजी से। बीते 10 दिन में 112,878 मरीज कोरोना से हुए हैं ठीक। 14 मई को प्रदेश में 212,000 थे एक्टिव केस, जो कम होकर पहुंच गए हैं 1,00,000 के नीचे। सोमवार को पूरे प्रदेश में 16,654 मरीज हुए ठीक। सीएम गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में सभी के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम नहीं। दवा और ऑक्सीजन की कमी से तीसरी लहर हो सकती है खतरनाक। कई गुना हालात बदतर बनने की है आशंका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ेबाजी छोड़ वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाना करे सुनिश्चित। और अब अंत में मौसम समाचार। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर कल बीकानेर व नागौर जिले में भी देखने को मिला। जिले में कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हुई हल्की बारिश, जिससे मिली गर्मी से राहत। मानसून से पहले इन छोटे विक्षोभों का जिले में दौर रहेगा जारी। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। यदि आप भी अपने गांव ढाणी क्षेत्र से इसमें खबरें शामिल कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आप इन खबरों को सीधे अपने व्हाट्सअप ग्रुप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें कोई भी संदेश भेजेंगे तो आपको रिप्लाई में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे आधिकारिक व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिन भर की तमाम अपडेट को लेकर नागौर हेडलाइंस शो तो आपके बीच में आता ही आता है। इसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण कवरेज को लेकर भी न्यूज़ 21 राजस्थान आपके बीच में उपस्थित होता रहता है। बाकी सोशल मीडिया अपडेट के लिए जलको नागौर भी इस टीम के द्वारा चलाया जाता है। इन सब स्थानों पर अपना प्यार जताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।